आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लाते हैं, और खासकर करंट अफेयर सीरीज चल रहा है। इसके बाद ही करंट अफेयर सीरीज के बाद हम फिर से नया मुख्य परीक्षा विशेषांक भी हम शुरू करेंगे, और उसमें आपको विभिन्न तरह के जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे। इसीलिए अब ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहा है, और आप लोगों का प्यार भी बढ़ रहा है, आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ, और आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर भेजें। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, और एक क्लास हमने कल रखा है, मतलब क्लास जो हमारा लाइव क्लास है उसमें भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। तो ये लाइव क्लास जो है हमारा, ये सब्जेक्ट का लगातार हो रहा है, तो इस लाइव क्लास में आप शामिल हो सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, और फिर हम अगले हफ्ते से लाइव क्लास शुरू करेंगे। और ये लाइव क्लास जो शुरू का होगा, दो डेमो क्लास फ्री होगा, उसके बाद एक नॉमिनल चार्ज लगता है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ हम उतना वीडियो आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वीडियो से 22 क्वेश्चन सीधा सीधा इस तरह से UPSC में आया, जिसका एनालिसिस हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में किया है, तो आप सोच सके कि अगर आपको हम टोटल दे देते तो इनडायरेक्ट भी में तो अदर 40 भी आ गया था, तो आपको 40% जो है आपका 100 में से ऐसे ही सीधा कवर हो जाएगा, यानी वही मटेरियल से आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। पहले कभी नहीं देखे गए माइक्रोब्स ग्लेशियर में बंद थे, और ये ग्लेशियर था कहाँ, कैसे बंद था, कौन सा रिसर्च हुआ, ये सब आज हम जानेंगे। और ये टॉपिक जैसे कि हम जानते हैं 2023 के लिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक हम लाए हैं, और ये पर्यावरण से जुड़ा है, यानी पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से ये जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम किस किस किन किन विषयों पे चर्चा करेंगे। तो पहला नए अध्ययन के विषय में, ये नया अध्ययन क्या है, उसके बाद देखेंगे कि तिब्बती ग्लेशियर जीनोम और जीन कैटलॉग क्या है, जिसको TG2G कैटलॉग कहा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पिछला अध्ययन क्या था, इससे पहले भी कोई अध्ययन हुआ था क्या इस तिब्बतियन रीजन में, तो हाँ हुआ था, 2020 में हुआ था, तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे जलवायु परिवर्तन एवं पिघलते ग्लेशियर, यानी ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे ग्लेशियर पिघल रहा है, उससे किस तरह से नुकसान हो रहा है। उसी तरह से देखेंगे बैक्टीरिया की अनूठी क्षमता, ये बैक्टीरिया जो है, जो इस तरह से आगे हम देखेंगे पैंडेमिक भी फैलाने में काम करता है, इसके अंदर वायरस घुसा होता है, तो ये जो वायरलाइंस होता है बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया की जो अनूठी क्षमता होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम चर्चा करेंगे भविष्य की महामारियों का हॉटस्पॉट, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बात हो जाती है, क्योंकि जो दो दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश है, भारत और चीन, उसके बीच में ये तिब्बतियन प्लेटू है, और यहाँ पे इस तरह के माइक्रोब्स पाए गए हैं, तो ये चूंकि ये दोनों जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है उसको यही ग्लेशियर से पानी सप्लाई होता है, तो इसका मतलब है कि ये भविष्य के जो है महामारी या वैश्विक महामारियों का एक हॉटस्पॉट बन सकता है। उसी तरह से पृथ्वी पर हिमनद के बारे में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर हिमनद जो है वो किस तरह से मतलब ये फैला हुआ है, और कितना है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और ये सब फाइनली हम ये देखेंगे कि इससे हमारे जो IAS का एग्ज़ाम होता है, UPSC का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, और किस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो उसको UPSC के लिए प्रश्न और पिछले प्रश्न का उत्तर, यानी जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था इस वीडियो में, उसका उत्तर हम इस वीडियो में देंगे। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चूँकि आप जानते हैं हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, हम जो आपको एनिमेशन देते हैं, इस तरह का एनिमेशन आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे एनिमेशन को बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्रोसेस करके मैं खुद बनाता हूँ, और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अदर कहीं भी आप जाएंगे, चाहे बड़े कोचिंग में जाएँ, छोटे कोचिंग में जाएँ, उनके लिए एक टीम होता है एनिमेशन बनाने की टीम, और वो टीम आप देख लीजिए कोई भी कोचिंग का, वो टीम उतना एक्सपर्ट नहीं होता, क्योंकि टीचर कोई अलग है, बना कोई अलग रहा है एनिमेशन, तो वो टीचर के दिमाग में जो है वो नहीं आता, लेकिन अगर टीचर खुद ही बनाए और उसको एनिमेट करे तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसीलिए इस तरह का एनिमेशन आपके पास होता है, और ये कोशिश हमारी होती है कि हम अच्छा से अच्छा आपके पास दें, तो इसीलिए इसको ज़रूर अपने दोस्तों तक फैलाएँ, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसको प्लीज़ शेयर करें,
ताकि आप को आसानी हो सके। यूपीएससी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन उसकी रणनीति सही होनी चाहिए। और ये आधुनिक जमाना है तो आधुनिक में आपको स्मार्ट रीडिंग करना पड़ेगा, आपको भी मॉडर्न बनना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे, वही पुराने धर्रे पे चलेंगे, हो सकता है कि आप 10 साल या 5 साल के एक्सपीरियंस करने के बाद किसी तरह क्रैक कर पाए, लेकिन इतना टाइम बीत जाएगा, इतना आपको। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आप 1 से 2 साल के अंदर में सिविल सर्विस क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, तो संदर्भ क्या है। तो वैज्ञानिकों ने तिब्बती पठार के ग्लेशियों के अंदर रहने वाले रोगाणु यानी माइक्रोब्स के 900 से अधिक प्रजाति जो कभी न देखी गई है, इसकी खोज की है। और ये जो रोगाणु यानी माइक्रोब्स हैं, इसके जीनोम विश्लेषण से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से जो है ये हिमनद के पिघलने से ये बाहर निकलते हैं, और ये बहुत बड़ी क्षमता इसका ये होता है। तो ये आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से ये पूरा निकल रहा है। तो ये बेसिकली इसको हम आगे देखें, तो आगे इसको हम देखेंगे कि नए अध्ययन के विषय, कि नया अध्ययन आखिर है क्या, ये आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है जो आज हम आपको वीडियो में लाए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम देखें तो नए अध्ययन में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के शोधकर्ताओं ने 21 ग्लेशियरों में से बर्फ के नमूने यानी सैंपल जो कलेक्ट किया वो 21 जगह से लिया है। और ये उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र है, हम लोग जानते हैं जो तिब्बतियन पठार है काफी ऊंचाई पर है, और ये दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तर में टकलामाकान रेगिस्तान के बीच स्थित है। अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया है और ये हिमालयन रेंज है, और इधर आपका टकलामाकान डिजर्ट है, और ये बीच में आपका तिब्बतियन रेंज है। तो ये स्थित है। उसी तरह से देखिए तो शोधकर्ताओं ने नेचर बायोटेक्नोलॉजी जर्नल में बताया है कि टीम ने 968 माइक्रोबियल प्रजातियां मिली, जिसमें से ज्यादातर बैक्टीरिया थे, किंतु इसके अंदर कुछ शैवाल भी थे, कुछ आर्किया भी थे, कुछ कवक भी पाए गए थे। लेकिन शायद उनको आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि ये सभी प्रजातियों का 98% जो था वो विज्ञान के लिए एकदम नया था, एकदम अनोखा था, जिसको आज तक कोई नहीं देखा था। तो ये सबसे ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि यही नया चीज जो है आपको पेंडेमिक बनता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में सब लोग सुनते होंगे, सब लोग जानते होंगे, लेकिन कोरोना वायरस वो नहीं है। उसका नाम क्या है जो 2019 में, उसको कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस, यानी एकदम अनोखा नया। क्योंकि कोरोना वायरस के अगर आप इतिहास देखेंगे तो 60 के दशक से ही शुरू है। तो आप ये कोरोना वायरस के बारे में अगर और आपको विशेष जानना हो तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए मैं हर तरह का वीडियो हमने प्रोवाइड किया है अपने चैनल पे। तो अब आप अपने दोस्तों तो प्लीज इसको फैलाएं, 300 के आसपास हमारा वीडियो है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, लेकिन सब्सक्राइबर आप लोग बहुत कम हैं। तो आप लोग जरूर इसको फैलाएं दोस्तों तक, सब इसको करें, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने हमें खुद मना किया था, और आप जानते हैं क्यों मना किया था। उनका कहना था कि आप इतना स्टूडेंट को दे दोगे मटेरियल तो फिर स्टूडेंट आपसे पढ़ने क्यों आएगा, आपके कोचिंग में क्यों आएगा, आपसे क्यों पढ़ेगा। तो भाई देखिए, कोई भी टीचर जो पढ़ने वाले टीचर हो, जो रिसर्च करके आपको बेस्ट मटेरियल देता है, तो आप समझिए आपको जो हम ये मटेरियल दे रहे हैं, ये हम अपने टोटल मटेरियल्स जो हमारे पास है वो मटेरियल का खजाना है। तो टीचर के पास तो खजाना है, और ये खजाना आपको हम दे रहे हैं, और वो मुफ्त में दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर और आपको डिटेल जानना हो, आपको कुछ प्रश्न पूछना हो हमसे, तो आप हमारे इस ऐप पे आ सकते हैं, इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बेस्ट ग्राफिक्स बेस्ट एनिमेशन देते हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें। ये एनिमेशन देखिए, अब ये देखिएगा, तो ये देखिए, ये आपको ये जो हुआ था ये तिब्बतियन प्लेटों के बीच में हुआ था, और इसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि ये चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस वाले ने 21 जगह से ये सैंपल लिया था। अब 21 जगह कहाँ कहाँ से लिए थे, तो ये देखिए, ये सैंपल का साइट्स है, ये देखिए, यहाँ से इन्होंने लिया था, यहाँ से आइस का सैंपल लिया था, यहाँ से स्नो का सैंपल लिया था, और यहाँ से क्रायोनाइट का सैंपल लिया था। अब ये क्रायोनाइट क्या होता है, तो क्रायोनाइट क्या होता है कि जो आपका बर्फ होता है, बर्फ के ऊपर मिनरल्स और जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल थिंग्स होते हैं, उसका जमा हुआ क्षेत्र होता है ये। चूंकि बर्फ एकदम सफेद होता है, उसके ऊपर ये थोड़ा सा मतलब आपको काला टाइप का होता है ये, और ये क्रायोनाइट होल भी होता है, क्षेत्र भी होता है, ये विभिन्न जगह पाया जाता है। तो ये क्रायोनाइट का सैंपल इन्होंने लिया, आइस का लिया, स्नो का लिया, और ये टोटल 21 सैंपल, ठीक है। तो ये इन 21 सैंपल्स को इन्होंने स्टडी किया, और उसके आधार पे इन्होंने
जो देखा वो चौंकाने वाली बात थी। तो हम लोग जानते हैं ये तिब्बतियन एरिया है, वो आप देखेंगे तो दक्षिण में हिमालय पर्वतमाला है इस एरिया के, और उत्तर में टकलामाकान डिजर्ट है। ये देखिए माउंटेन रेंज, साउथ में आपका हिमालयन रेंज है, और हिमालयन रेंज से आप इधर जाएंगे तो नॉर्थ में आपका टकलामाकान के बीच में ये एरिया मौजूद है। अब इसमें सबसे ज्यादा कंसर्न था, चिंता थी वैज्ञानिकों की कि ये ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। और ये देखिए अब ये जो तेजी से पिघलते हैं तो होगा क्या, इसके अंदर जो माइक्रोबियल है वो आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है तो वो पिघल के बाहर चला आएगा। ये देखिए अब ये सारे ग्लेशियर पिघलने लगे और इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव थे, जो माइक्रोब्स थे, ये देखिए अब इसके अंदर जो बर्फ के अंदर माइक्रोब्स थे वो बाहर आ जाएंगे। और बाहर आ जाने पर प्रॉब्लम क्या होगा कि आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा पेंडेमिक फैला सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है जो तिब्बत का अठार है वो एक तरफ चीन और एक तरफ इंडिया, तो दोनों के बीच में ये है, तो ये तकरीबन इतनी ज्यादा क्षमता रखता है कि समझिए कि 1000 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है अदर प्लेसेस के जगह। चूंकि अगर अदर प्लेसेस में जाएंगे तो बहुत कम लोगों को पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि ये जो ग्लेशियर है ये सबसे ज्यादा पानी प्रोवाइड करता है पूरे दुनिया में, क्योंकि इंडिया को पानी प्रोवाइड करता है, चाइना को पानी प्रोवाइड करता है, पूरे साउथ एशियन कंट्री को, चाहे आप बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, अफगानिस्तान तक भी जाता है। तो ये पूरा एरिया आप देख लें तो आपको बर्मा तक भी जाता है, तो ये सारा एरिया को ये पानी सप्लाई कर रहा है, यानी एशिया का लगभग, इसीलिए इसको एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, यानी एशिया की पानी की टंकी जिस तरह से हमारा होता है इसको कहा जाता है। तो इसीलिए ये माइक्रोब्स अगर रिलीज होकर इस जनसंख्या में आ जाए, और ये काफी नया माइक्रोब है, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा पेंडेमिक फैल सकता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि चाइना से ही फैला था आपका कोविड-19, तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें आपको यांगजी रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु रिवर है, बहुत सारे रिवर्स हैं जो आपको इसी से जाता है आपको। और ये जो होगा तो ये फिर प्लैंक्टोनिक बूम भी करेगा, हो सकता है कि जो हमारा मैरान लाइफ है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है, उसका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें भी चेंजेज आ सकते हैं। तो ये सारे बहुत बड़े कंसर्न है जो आपको समझना पड़ेगा, और ये आपको मुख्य परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर ये रिसर्च जो था, तो इसमें इन्होंने जो एक सबसे बड़ा अहम चीज बनाया हुआ है, तिब्बती ग्लेशियर जीनोम और जीन कैटलॉग। तो ये कैटलॉग क्या था, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दल ने बर्फ के अंदर बन जो था उसका डीएनए सिक्वेंसिंग किया, यानी उसको डीएनए को अनुक्रमित किया और एक बहुत बड़ा कैटलॉग बनाया, डेटाबेस बनाया, जिस डेटाबेस को, विशाल डेटाबेस को कहा जाता है तिब्बती ग्लेशियर जीनोम और जीन TG2G कैटलॉग। यह पहली बार है जब किसी ग्लेशियर के भीतर माइक्रोबियल समुदाय को अनुवांशिक रूप से अनुक्रमित किया गया, यानी सिक्वेंस किया गया, ये भी एक पहला है, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात है ये। उसी तरह से देखेंगे ये कैटलॉग का जो है यूज बायो प्रोस्पेक्टिंग में भी हो सकता है, यानी यौगिक को, मतलब यौगिकों को नए प्राकृतिक प्रणालियों की खोज की जा सकती है। और ये कैटलॉग चूंकि एक बहुत बड़ा कैटलॉग इन्होंने बनाया है, तो इससे आगे चल के हम यूज कर सकते हैं दवाई बनाने में, इसका यूज हम कर सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन में, अन्य लाभकारी तकनीक में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि पेंडेमिक भी फैला सकता है, लेकिन दूसरा है कि इसका जो स्टडी है उस स्टडी से ये जो नए माइक्रोब्स है इसको हो सकता है कि हम पॉजिटिव थिंग्स में भी इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि दवा बनाने में और सब चीज में कर सकते हैं। तो इसके दोनों चीजें, तो ये जो TG2G है कैटलॉग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बड़ा काम साइंटिस्टों ने किया है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं पिछले अध्ययन, इससे पहले क्या पिछला कोई रिसर्च हुआ था या कोई अध्ययन था, तो जी हाँ हुआ था, ये हुआ था आपको 2020 में। तो पहली बार नहीं है जब वैज्ञानिकों ने तिब्बतीय ग्लेशियर में रहने वाले सूक्ष्म जीवों में मतलब इस तरह से बहुतायत पाया गया। तो जनवरी 2020 में ऐसा एक रिसर्च है, आया था, और इसमें टीम ने एक ग्लेशियर आइस के कोर का विश्लेषण किया था। ग्लेशियर आइस जो था, एक ही ग्लेशियर का आइस लिया, उसके कोर का विश्लेषण किया। इसने बर्फ के भीतर रहने वाले 33 वायरस के अलग अलग समूहों को खोजा था, और जिसमें से 28 ऐसा था जिसको पहले कभी नहीं देखा गया था, मतलब 28
एकदम नया था वायरस। तो उसके बाद जब ये देखा गया, ये रिसर्च 2020 में आया, तब वैज्ञानिक थोड़ा और आगे गए और ये नया रिसर्च जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये आया। आगे चलते हैं, जलवायु परिवर्तन एवं पिघलते ग्लेशियर। अब ये जो ग्लेशियर है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रहा है, तो देखते हैं कि क्या। तो शोधकर्ताओं ने कहा कि आश्चर्यजनक माइक्रोबियल विविधता जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर बर्फ के पिघलने से वृद्धि के साथ ही संभावत खतरनाक पैथोजन यानी रोगाणु को कहर बरपाने की संभावना बढ़ता है। यानी कि जो पेंडेमिक जैसा कि हम लोगों ने देखा था COVID-19 में किस तरह से लोग मारे गए, किस तरह से लोगों का तबाह हो गया सारा हर बिजनेस, तो इस तरह से फिर हो सकता है कि कहर बरपा कर दे। तो इसीलिए अब क्लाइमेट चेंज के इस पहलू को भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये काफी आप देख सकते हैं, इसी तरह से बर्फ में फंसे रोगजनक रोगाणुओं स्थानीय महामारी और वैश्विक महामारी भी हो सकती है। यानी इसको आप देखेंगे तो ये वैश्विक महामारी भी हो सकती है। तो कैसे हो सकती है, इसका भी एक रिसर्च आया इसी में। तो इसमें यह बताया गया, इसमें जो एविडेंस कलेक्ट किया गया कि नए बैक्टीरिया मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए बहुत खतरनाक, क्योंकि इसमें 27,000 संभावित विषाणु कारक, जिसको अब वायरोलेंस फैक्टर कहा जाता है इंग्लिश में, वायरोलेंस फैक्टर, वायरस से बना वायरोलेंस फैक्टर, तो आप इसको बिना विषाणु कारक कह सकते हैं, कि पहचान की। जो अब ये वायरोलेंस फैक्टर होता क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ये अणु जो बैक्टीरिया के आक्रमण करने और संभावित होस्ट को लक्ष्य बनाने में मदद करते हैं, यानी ये वायरोलेंस फैक्टर क्या होता है कि बैक्टीरिया को इनेबल करता है कि वो कोई भी होस्ट यानी कोई भी को टारगेट करे और उस पर अटैक करे। तो ये जो है ये काफी महत्वपूर्ण है और ये कैटलॉग के भीतर ये पाया गया है इस तरह की चीज। तो शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इसमें लगभग 47% जो विषाणु कारक है यानी वायरोलेंस फैक्टर है वो बिल्कुल नया है, यानी जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो ये सबसे ज्यादा कंसर्न बताता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है बैक्टीरिया की अनूठी क्षमता। अब ये बैक्टीरिया जो है, चूंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये स्टडी में ज्यादातर बैक्टीरिया मिले, अब इसकी एक अनूठी क्षमता होती है, ये क्या होती है ये भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए कि बैक्टीरिया अपने डीएनए के बड़े हिस्से का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे बैक्टीरिया से। तो ये जो है इसको कहा जाता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, या जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं MGES, ठीक है। तो MGES जो होता है ये आप देखेंगे तो ये जेनेटिक जो है एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में जो अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सकता है यानी जो आदान प्रदान करता है, इस क्षमता को कहा जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ कि भले ही बैक्टीरिया, जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि चलो बैक्टीरिया हिमनद से निकला, चूंकि वो हिमनद में पहले से था तो उसको उसी में रहने की आदत होगी, तो जैसे वो हिमनद से बाहर निकला सन रेज पड़ा, उसमें सन रेज का अल्ट्रावायलेट, चूंकि वहां आप देखेंगे तो काफी आसमान साफ होता है तो सन रेज पड़ता है जहां ग्लेशियर है उस एरिया में, तो उससे मर जाएगा बैक्टीरिया। लेकिन मरने से पहले जो अपना वायरोलेंस है वो आप चेंज कर देगा वो सारा एक दूसरे पे, यानी जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा, यानी एक नया जेनेटिक मटेरियल। तो इससे भी आपका ये पेंडेमिक आ सकता है, पेंडेमिक बढ़ सकता है। तो हिमनद पिघलने के कुछ समय बाद ही मर जाते हैं, फिर भी अपने कुछ विषाणुओं को अन्य जीवाणुओं को दे सकते हैं, तो ये दे देगा और ये फिर पेंडेमिक आ जाएगा। तो ये बहुत ही ये बैक्टीरिया की एक अनूठी क्षमता है, इसको भी हम लोग को जानना है। आगे चलते हैं, तो भविष्य की महामारियों का हॉटस्पॉट, जैसा कि मैंने बताया कि दो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश एक चीन और एक भारत, इन दोनों के बीच में ये तिब्बत पठार है और यहाँ जो ग्लेशियर्स है ये ग्लेशियर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर ये पिघलेगा तो ये हॉट स्पॉट हो जाएगा आपको पेंडेमिक का। तो तिब्बती पठार के लिए जो भविष्य की महामारियों के लिए हॉट स्पॉट हो सकते हैं, जो क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं यांगजी, पीली नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारे नदियों का जल स्रोत आपका यही यही ग्लेशियर है। तो ये ताजा पानी भरते हैं और दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश जैसा कि हम लोग जानते हैं चीन और भारत। तो इसका मतलब है कि जैसे ये फैलेगा पेंडेमिक, तो हम लोग जान रहे हैं पिछले 2019 के COVID-19 से कि चीन में फैला लेकिन तुरंत इंडिया में भी फैल गया और किस तरह से महामारी ने तहलका मचाया और बहुत सारे लोग मारे गए। आप जानते हैं भारत में क्या हाल हुआ था, आप लोग सब लोग जानते ही हैं। तो ये महामारी के दौरान हम लोगों ने देखा था बहुत सारे लोग तबाह हो गए, बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति तबाह हो गई इस महामारी में। तो ये सारी चीजें हो सकती है अगर हम अपने समय रहते
अपने कार्बन कैप्चर कम को कम नहीं करें, पर्यावरण के बारे में अगर नहीं सोचें तो ये बहुत ही चिंताजनक बात हो सकती है। तो पर्यावरण पे बहुत सारे वीडियोज़ हमारे इस पे मौजूद हैं, आप इसको ज़रूर देखेंगे। तो ये सारी वीडियो है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखें और प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें अपने ग्रुप में। आप जितने भी हैं, आप बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे वीडियो देखते भी हैं और उसको ज़रूर शेयर करते होंगे, और आप देख रहे हैं कि आप लोग का व्यू भी बढ़ रहा है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है वो पृथ्वी पर हिमनद के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ जान लें कि आखिर ये पृथ्वी पर हिमनद और इसके अंदर जो कैद माइक्रोब्स हैं ये कैसे हैं, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो लगभग पृथ्वी पर अभी वर्तमान में अगर देखें तो 20,000 से अधिक हिमनद मौजूद हैं, और इसमें लगभग 10% जो भाग है, जो हमारा लैंड मास है, उसका 10% ये ग्लेशियर से भरा हुआ है। और प्रत्येक हिमनद के अंदर अपने स्वयं के अद्वितीय माइक्रोबियल समुदाय, यानी सबके अंदर यूनिक माइक्रोबियल कम्युनिटी है, माइक्रोबियल समुदाय है। देखिए अगर 2021 की हम एक रिसर्च को देखें तो ग्लेशियरों की उपग्रह के चित्रों का उपयोग करते हुए जो अध्ययन किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारा ऐसे चीज़ें जो सेटेलाइट डेटा से आप साइंटिस्ट यूज करते हैं, तो इसमें 2000 और 2019 के बीच जो बर्फ में नुकसान हुआ है वो काफ़ी एक्सेलरेटेड यानी त्वरित दर से हो रहा है, तेजी से हो रहा है, और ये जो तेजी से हो रहा है ये सबसे ज़्यादा कंसर्न है, चूँकि ये जोखिम बढ़ाता है महामारी पैदा करने का, जो पृथ्वी पर कहीं भी फैल सकता है, वैश्विक स्तर की महामारी भी कहीं फैल सकता है। तो अभी भी हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कम से कम अपना जो जो फॉसिल्स फ्यूल है उसको कम से कम यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, बहुत सारे ऐसे मेजर्स अपना सकते हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलिए जैसा कि हमने बताया, ये सारी चीज़ों को बताने के बाद ये यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए देखते हैं। यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैक्टीरिया के विषाणु कारक वायरलेंस फैक्टर वे अणु होते हैं जो आक्रमण करने और संभावित होस्ट को लक्ष्य बनाने में मदद करते हैं। एक दूसरा, जीवाणुओं में अपने डीएनए के बड़े हिस्से को आदान प्रदान करने की अनोखी क्षमता होती है जिसे साझा अनुवांशिक कारक यानी शेयर्ड जेनेटिक फैक्टर्स कहा जाता है। दूसरा, तीसरा, मूल्यवान नए यौगिकों एवं प्राकृतिक प्रणालियों की खोज के लिए TG2G कैटलॉग को टूल किट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा, पृथ्वी पर प्रत्येक ग्लेशियर का अपना अनूठा माइक्रोबियल समुदाय है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? एक दो और चार, एक दो तीन, एक तीन और चार उपलब्ध सभी। तो इसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, इसका उत्तर हम अपने अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो में तो इस वीडियो के लिए और इसके उत्तर के लिए और जो पिछले वीडियो का हम आप पूछेंगे उसका, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप जैसा कि मैं बताता हूँ कि हर अगले वीडियो के बाद, तो अगला जो हमारा सेक्शन है वो है पिछले प्रश्न का उत्तर। पिछले प्रश्न का उत्तर का अर्थ ये हो गया कि जो मैंने आपको पिछला वीडियो इस वीडियो में पूछा था, तो इस वीडियो में जो मैंने आपको पूछा था वो आपको अब बताऊंगा। तो पिछले प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बड़े ज्वालामुखी विस्फोट बड़ी मात्रा में राख गैसें छोड़ते हैं जिसमें वायुमंडल ठंडा होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो गैस होते हैं वो आपको सल्फर होते हैं, और सल्फर एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो रिफ्लेक्टिव करता है, रिफ्लेक्शन का काम करता है, जिस तरह से आईना करता है, तो सूरज के रे को पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे क्या है कि सूरज का रे पृथ्वी पर नहीं आ पाता है और जिससे पृथ्वी ठंडा हो जाता है, तो ये कूलिंग इफेक्ट यानी वायुमंडल को ठंडा करता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। दूसरा देखें, समान आकार के विस्फोटों की तुलना में टोंगा विस्फोट आश्चर्यजनक रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के उच्चतम स्तर का उत्पादन किया था। ये गलत है, ये उच्चतर स्तर नहीं था, निम्नतर स्तर था, ये वैज्ञानिकों के लिए हैरान था। अगर ये उच्चतर स्तर होता तब फिर हमारा जलवायु परिवर्तन के लिए अच्छा ही होता, चूंकि पृथ्वी ठंडा हो जाता, गर्म नहीं होता, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता, लेकिन ये नहीं होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने 58,000
स्विमिंग पूल के बराबर जो है, ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर पानी आपको स्ट्रेटोस्फीयर में फेंक दिया, यानी समताप मंडल में, तो वहां वो क्या करेगा, वार्मिंग इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, एक ब्लैंकेट का काम करेगा और जो आपको जो हानिकारक रेज है उसको एब्जॉर्ब करके ये वार्मिंग इफेक्ट करेगा। तो ये पहला ऐसा यूनिक विस्फोट था, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कूलिंग की जगह वार्मिंग कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। अब तीसरा देखिए, बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण तेज भूकंपीय तरंगों द्वारा मृत्यु सुनामी का निर्माण होता है, ये भी गलत है, ये भूकंपीय तरंगों से नहीं होता, ये मेटियो सुनामी का मतलब होता है मेट्रोलॉजिकल सुनामी, यानी जो वायुमंडलीय गतिविधि में जो प्रेशर डिफरेंस होता है, जैसे अचानक वोल्केनिक इरप्शन ऊपर चला गया, ऊपर जाके जैसे मैंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक वेव सबसे स्पीड का ये चलाया था, उसी वेव के दौरान जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंसेस आया, उस डिफरेंसेस के वजह से ये मेटियो सुनामी आया जो पूरे इसमें, तो इसको मेट्रोलॉजिकल सुनामी कहा जाता है, आप इसको हिंदी में मौसम विज्ञान संबंधी सुनामी कह सकते हैं, लेकिन मिलेगा क्योंकि आप जानते हैं, जो भी आप कोचिंग में जानते हैं वो ठेके पे रखता है और वो उसी हिसाब से बनाता है, तो उसी हिसाब से कंटेंट राइटिंग वगैरह वो लोग करते हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसीलिए हिंदी वाले बात, इंग्लिश वाले में तो ठीक है मेटियो सुनामी मेट्रोलॉजिकल कर, लेकिन हिंदी में जब वो ट्रांसलेट करेंगे तो ये मेटियो सुनामी को उल्कापिंड सुनामी लिख देंगे साहब, अब ये उल्कापिंड सुनामी आपको नजर आएगा जो कि गलत है, इसको आप कह सकते हैं मौसम विज्ञान संबंधित, ये उल्कापिंड से नहीं है, मेट्रोलॉजिकल है, नॉट मेट्रोइड से रिलेटेड है। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जो आपको अच्छे टीचर से पढ़ना चाहिए, भले ही आपको वो आप देखें, हम तो यहाँ कुछ आपको चार्ज भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर कहीं अच्छा कोचिंग है वो ज्यादा पैसा ले रहा है तो वहां बसाए बजाय के लोकल आप पढ़ रहे हैं, तो कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तो यही है कि आप हमारा ऐप ये डाउनलोड कर लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ हम बता सकते हैं आपको, और आप डायरेक्ट जो है सो हमारे जो डेमो क्लास उसमें आप आ सकते हैं। तो ये जो है, तो ये भी गलत है, ये मेट्रोलॉजिकल, तो ये सही हो गया आपका, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आप देखते हैं चौथा, टोंगा विस्फोट वायुमंडल में मीथेन और ओजोन की मात्रा कम हो सकती है, ये बिल्कुल सही है, ये रिसर्च में आया था, क्योंकि जो ऊपर पानी गया H2O, तो उसका जो OH आयन था ये आपको ओजोन से प्रतिक्रिया कर लेगा, चूंकि स्ट्रेटोस्फीयर में चला गया था, और यही ओजोन को भी कम करेगा और यही OH आयन मीथेन को भी कम करेगा, तो एक चीज तो ये हो गया कि मीथेन को कम करेगा, तो ये हमारे क्लाइमेट चेंज वायुमंडल के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ओजोन को कम कर रहा है तो ये खतरनाक बात है, चूंकि ये फिर अल्ट्रावायलेट जो इतना मेहनत से हमने ओजोन परत को बचाया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये सारी चीजें हैं, आखिर ओजोन परत क्या है, तो आप जानते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया था, तो इस वीडियो पे आप देख सकते हैं ओजोन परत के बारे में, उसमें क्या यूनिकनेस है, तो ये सारी चीजें। तो चलिए ये चौथा, तो चौथा आप देखेंगे तो चौथा सही है और पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो फिर इसका आंसर देखें, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, 1, 3, 1, 4, 1, 2 और 4 उपरोक्त, तो इसका जवाब हो गया आपको 1 और 4, तो इसका उत्तर हो गया आपका बी। तो चलिए इसका उत्तर हो गया बी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर अगला जो वीडियो है उसके लिए और हमारे अन्य वीडियो के लिए इसको जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लीज़ प्लीज़ हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, उसमें बहुत सारे आपके कोर्सेस हैं, उस कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं, बहुत सारे सस्ते कोर्सेज भी हैं, आप आराम से कर सकते हैं परचेज, और ये जो कोर्सेज है ये पूरी तरह से वर्चुअल है, ऑनलाइन है, आप अगर बिहार में तब भी, आप अगर बंगाल में हैं तब भी, आप असम में हैं, तमिलनाडु में, कहीं भी है इंडिया के कोई भी कोने में है, वहाँ से आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आपको, एक मोबाइल और एक इंटरनेट चाहिए, और इसमें ये खासियत है कि अभी जो आप यूट्यूब देख रहे हैं तो अभी यूट्यूब पे तो वन वे है, लेकिन उसमें आप क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हफ्ते।